हम लोग मनरेगा का जो पाक्षिक या साप्ताहिक जो हम लोग का समन्वय समीक्षा बैठक होता है उसके तहत हमने प्रखंड स्तरीय सारे पंचायत बार जो है समीक्षा किया है। और लेकिन अभी जो विभागीय निर्देश आया है कि सभी मजदूरों का आधार सीडिंग आवश्यक है, जिसमें हमारा ब्लॉक अभी 67% पर है, योजना का सेंक्शन नहीं होता है तो सभी के ऊपर स्पष्टीकरण किया जाएगा। और हम लोग का जो तीसरा बिंदु था खेल मैदान के बारे में, खेल मैदान से संबंधित हम लोग का ये था कि 6 खेल मैदान हम बीडीओ ने धुरकी प्रखंड कार्यालय में सभी पंचायत के मुखिया, मनरेगा कर्मी व पंचायत सेवकों के साथ किया समीक्षा बैठक। धुरकी प्रखंड कार्यालय के मीटिंग हॉल में बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने सभी पंचायत के मुखिया, मनरेगा कर्मी, पंचायत सेवक के साथ पंचायतों में चल रहे सभी विकास कार्यों का पंचायतवार समीक्षा किया। समीक्षा बैठक में 5 मुखिया प्रतिनिधि उपस्थित थे, वहीं शेष 3 मुखिया इस बैठक से अनुपस्थित थे, जिस पर बीडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शोकॉज किया है। बैठक में सर्वप्रथम बिरसा हरित क्रांति आम बागवानी योजना को ज्यादा से ज्यादा चयन करने के लिए निर्देश दिया गया है। बीडीओ ने कहा कि मनरेगा से आम बागवानी योजना को सभी मुखिया अपने अपने पंचायत में प्राथमिकता देकर अधिक से अधिक स्वीकृति करें। वहीं मजदूरों के जॉब कार्ड का लक्ष्य 100% पूरा करने के लिए कहा गया है। बीडीओ ने कहा कि मनरेगा से संचालित सभी पुरानी योजनाओं को पूर्ण कर क्लोज करें। वहीं खेल के मैदान के लिए भी बीडीओ ने जानकारी ली, जिसमें प्रभारी बीपीओ के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कुल 6 खेल मैदान योजना स्वीकृत हुई है। वहीं इसके अलावा पंचायत फंड 15वीं वित्त मद की राशि को यथाशीघ्र खर्च करने के लिए बीडीओ ने सभी मुखिया और पंचायत सेवक को दिशा निर्देश दिया है। वहीं इसके अलावा बीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास का भी समीक्षा किया। बैठक में मुखिया, समुखिया संघ के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह, शंभू गुप्ता, सगुनी राम, इस्लाम खान, हरिलाल सिंह ए, उज्ज्वल अग्रवाल जे, परमेंद्र विश्वकर्मा, लव सिंह, पंचायत सेवक छवि सिंह, कोऑर्डिनेटर जितेंद्र कुमार, रोजगार सेवक उमेश कुमार, राजू रंजन, रामस्वरूप सिंह, जन सेवक चंद्र किशोर के अलावा अन्य सभी कर्मी उपस्थित थे। बताएं सर, आज हम लोग मनरेगा का जो पाक्षिक या साप्ताहिक जो हम लोग का समन्वय समीक्षा बैठक होता है उसके तहत हमने प्रखंड स्तरीय सारे पंचायत बार जो है समीक्षा किया है। और जिस पैरामीटर्स पे हम लोग डाउन है उसको जिला के निर्देशानुसार हम लोग अग्रेतर करवाई के लिए सबके साथ एक निर्देश दिया गया है। साप्ताहिक बैठक था, साप्ताहिक बैठक में जो मनरेगा की प्रगति से संबंधित समीक्षा की गई विभिन्न पंचायतों का, मेनली था आधार कलेक्शन का मुद्दा था। पूर्व में हम लोग एक्टिव लेबर्स का आधार कलेक्ट करवाए थे जो लगभग 98-99% है सभी पंचायतों का, लेकिन अभी जो विभागीय निर्देश आया है कि सभी मजदूरों का आधार सीडिंग आवश्यक है, जिसमें हमारा ब्लॉक अभी 67% पर है, इसको हम लोग का लक्ष्य 100% सभी का आधार कलेक्ट करना था। इस संबंध में चर्चा की गई, आम बागवानी के लिए भी समय निकलता जा रहा है, नया जो आम बागवानी हम लोग को लेना था तो आम बागवानी के लिए सभी पंचायतों को कड़ा ये सर के द्वारा सख्त चेतावनी दी गई कि इस सप्ताह में यदि आप लोग आम बागवानी को का कोडिंग नहीं करवाते हैं, योजना का सेंक्शन नहीं होता है तो सभी के ऊपर स्पष्टीकरण किया जाएगा। और हम लोग का जो तीसरा बिंदु था खेल मैदान के बारे में, खेल मैदान से संबंधित हम लोग का ये था कि 6 खेल मैदान हमारा ऑनगोइंग है, जिसमें धुरकी, खुटिया और ये माचपानी, 2 तो आज हम लोग कम्प्लीट करने की स्थिति में है, लेकिन माचपानी का और ये सबका रिवाइज एस्टीमेट का चर्चा किया गया कि एस्टीमेट रिवाइज किया जाए। रिवाइज एस्टीमेट के द्वारा क्योंकि किसी मैदान में कम पैसा लगना था, किसी मैदान में ज़्यादा पैसा की रिक्वायरमेंट थी, इस परिस्थिति में खेल मैदान को हम लोग DPR अनफ्रीज करा चुके हैं, जहाँ पे जितना राशि लगेगा फिर से एस्टिमेशन कराते हुए एस्टिमेट को रिवाइज कराएंगे, उसके बाद कार्य शुरू करते हुए 1 सप्ताह के अंदर सबको बंद कर देना है।